हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इंडिया से जो सऊदी वाया कतर होके आ रहा है, बहुत सारे एजेंट है जो नहीं बता रहा है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, चूंकि ये खबर मुझे रात में ही मिला है। तो उन्होंने मुझे बताया, भाई अगर कोई भी कतर आएगा तो वो उनको बोलो कि कुछ पैसे का इंतजाम करे, और कितना पैसा लगेगा और क्या लगेगा मैं पूरी बात बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। देखिए भाई, कल का जो रिपोर्ट है बहुत ही दर्दनाक रिपोर्ट कहें उसको, या जो भी कहें, वो बहुत ही यानी खराब रिपोर्ट है कतर का। कतर से कल केरला का एक ग्रुप आया था, तकरीबन 17 से 18 आदमी को वापस भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास 1,00,000 इंडियन मनी या कतरी रियाल 5 से 5,500 रुपया नहीं था। यानी मैक्सिमम 5,000 है, मिनिमम आप कम से कम तो आप 3,000 रियाल सऊदी रियाल जो है वो आपको रख के जाना होगा अपने साथ। अगर आपके पास कैश पैसा नहीं है, रियाल नहीं है, तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड साथ में रखना होगा, वो भी अपने नाम वाला। ये देख लीजिए, इसमें पूरा डिटेल दिया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ कि या तो क्रेडिट कार्ड आपका नाम का होना चाहिए या आपका किसी रिश्तेदार का नाम का है तो आपका भी उसमें नाम होना चाहिए, जिसे बोलते हैं ना कि ज्वाइंट खाता, ये इस तरह का होना चाहिए उसमें। अगर आप किसी दोस्त का लेकर जा रहे हैं दोस्त का, तो वो डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, आपका नाम का होना चाहिए। ये सब नहीं होने के कारण कुछ ग्रुप था जो केरला से आ रहा था सऊदी के लिए, उसको वापस भेज दिया, उसमें से कुछ आदमी सऊदी आ गया और कुछ आदमी को वापस भेज दिया। तो इसकी वजह क्या है दोस्तों, इसकी वजह यह है कि अगर आप किसी कंट्री में विजिट करते हो, विजिटर पे जाते हो, तो आपके पास ये कंपलसरी है। जाहिर सी बात है, विजिटर जाएगा तो किसी बिजनेस पर्पज की वजह से जाएगा या घूमने जाएगा, तो उसके पास तो पैसा होना ही चाहिए। यही सोच है कतर का कि अगर कोई विजिटर आता है तो उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो होटल बुक कर सके या वो घूम सके या वो खाना खा सके। जो भी है, वो उनका कहना यह है कि आप विजिट कर रहे हो तो आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए ना। यही वजह है कि काफी लोग को वापस भेज दिया है, और रिटर्न टिकट तो होना ही चाहिए आपके पास। अगर रिटर्न टिकट नहीं लेकर आ रहे हैं साथ में, तो आपको वापस जाना पड़ सकता है। ये सब चीज का दोस्तों आप ख्याल रखते हुए कतर का ट्रैवल करें, और सऊदी अगर आना चाहते कतर होकर के तो सावधान रहे इस सब चीज से। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि पीसीआर टेस्ट जो है, काफी लोग, जो मेरा जो एक सोर्स है जिसने मुझे बताया कि भाई काफी लोग जो है ना पीसीआर टेस्ट बारकोड होने के बावजूद वो फेक है। मैंने कहा भाई बारकोड है तो फेक कहां से हो गया, बोला नहीं भाई वो फेक, कई सारे लोगों का फेक पकड़ा रहा है। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अगर बारकोड है तो उसको सही से आप चेक करवा ले, उसका स्कैन करके देख ले क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो फिर से आप करवाए, क्योंकि देखिए आप अपना देश का नाम खराब मत कीजिए। किसी देश में जाकर के आदमी ये कहेगा कि भारत से आया है और देखो ये फेक काम करवाता है भारत के लोग, तो ये आप ना करें। ऐसा आप काम करें कि आपको लगे कि हाँ ये सही चीज है, और वहां का जो दूसरे कंट्री के लोग है जैसे कतर है, वो कहे कि नहीं भारत से जो आ रहा है लोग वो सही से आ रहा है और सही से अपना फ्लाइट लेके सऊदी जा रहा है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप अगर कतर से सऊदी आना चाह रहे हो, इंडिया से कतर, कतर से सऊदी, तो आपके पास जरूरी है कि 48 घंटे के बाद का टिकट होना चाहिए फ्लाइट सऊदी का, ठीक है। क्योंकि काफी लोग यह समझ रहे हैं कि हमारे मोबाइल में इम्यून शो कर रहा है तो हम 2 से 3 घंटे में जाकर के सिकंद फ्लाइट ले लेंगे सऊदी का, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कई सारे लोगों का टिकट कैंसिल हुआ है कल, इसलिए क्योंकि पीसीआर टेस्ट में लेट हो रहा है, पीसीआर टेस्ट मिल नहीं रहा, चूंकि बहुत सारे नए आदमी वहां जाते हैं, तो वहां जो है ना किसी सिटी सेंटर में या कोई पीसीआर सेंटर वहां मिल रहा है, तो वहां उतरने के बाद आप पता कीजिएगा कि भाई ये पीसीआर टेस्ट कहाँ मिलता है, क्योंकि आपका जो पीसीआर टेस्ट है वो तो एयरपोर्ट में हुआ है ना, तो वो हैंड टू हैंड आपको मिला नहीं है, तो इसीलिए आपको यहां जाकर के लेना होगा, और लेट हो रहा है 50 घंटा 52 घंटा ऐसा लग रहा है। तो आप जब कतर से सऊदी का फ्लाइट लीजिएगा तो वो 48 या 50 घंटे के बाद का ही लीजिएगा, नहीं तो आपका टिकट कैंसिल हो सकता है। अगर आप लेते हैं, या आपका मर्जी है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि कतर का जो पीसीआर टेस्ट है वो लेट हो रहा है मिलने में लोगों को, तो इसीलिए आप जो फ्लाइट है सऊदी का वो 48 से 50 घंटा का बाद ले। और दूसरी बात ये कि अभी जब आप एतराज पे, कतर का जो वेबसाइट है एतराज, उस पर आप अपना डिटेल डालिएगा, उसी टाइम आपको एक यानी एक न्यूज़
शो करेगा, जो नया गाइडलाइन है वो शो करेगा आपको कि आप अगर वैक्सीनेट हो, नॉन वैक्सीनेट हो, तो भी आपको वहाँ 10 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। ये आप पता कर लीजिए, क्योंकि मुझे कल ये पता चला है कि, और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, पूरा स्पष्ट कहा है कि वहाँ आप वैक्सीनेट हो, ये दोनों डोज लगा लिए हो, फाइनल हो, फिर भी आपको वहाँ आपको क्वारंटाइन करना होगा। कतर में जाकर के 10 दिन कम से कम क्वारंटाइन करना होगा। तो ये कुछ सारा अपडेट था दोस्तों, कतर इंडिया से सऊदी आने वाले वाया कतर से जो आना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ अपडेट था। आप लोग देख लीजिएगा क्या हिसाब किताब है, चूंकि ये सारा सख्ती अभी कतर ने लगा दिया है, नया नया गाइडलाइन। मैंने पहले भी कई बार कई वीडियो में कहा कि भाई अभी हर कंट्री अपने अपने तरीके से एक नया नया गाइडलाइन जारी कर रहा है, उसका कंट्री वो अपना हिसाब से चला रहा है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हमको क्या क्या कर रहा है, पैसे कितना लेकर जाना है, PCR टेस्ट कौन सा होना चाहिए, और जो टिकट है वो कब का बुक करे, तो ये सब आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।